देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर बारिश से गंभीर हालात है। आईएमडी ने एमपी राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं महाराष्ट्र के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 29 से 31 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार हैं। राजस्थान के 31 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने तेज बारिश के दौरान अधिक सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में भी नहीं जाने की सलाह दी गई है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई राज्यों में जल जमाव की स्थिति है, कहीं पर बाढ़ के हालात हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है विशेष संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन। भारती, क्या कुछ अपडेट है? देश के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो रहे हैं। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे दर्शकों को, भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए खास जो चेतावनी है वो जारी की है। 17 राज्य वो चिन्हित किए गए हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट है, बारिश, भारी बारिश का अलर्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के 8 जिले आईएमडी ने इंकित किए हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा हो गया, चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जैसे कि आप बता रहे थे गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो अपडेट के लिए आपको बता दूं कि 2700 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और इसमें मैक्सिमम लोग नवसारी के बताए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हर बार हम देखते हैं कि बारिश के बाद में त्रासदी वहां के लोगों को झेलनी पड़ती है, और आज की अगर बात की जाए तो वहां पर प्रशासन ने मौसम विभाग के कहने पर स्कूलों की घोषित की है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी जो है उनमें आज के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि आज वहां पर भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी के द्वारा जारी किया गया। और आपको बता दें बीती रात भी यमुना में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से यमुनोत्री धाम के हालात काफी वहां पर खराब है और इससे चारधाम यात्रा जो है वो भी काफी हद तक प्रभावित हो रही है। बिल्कुल भारती, चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार व्यवस्थाओं में जुटी हुई थी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को, क्योंकि उत्तराखंड के विकास में चारधाम यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, रोजगार जुड़ा हुआ है लोगों का। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा भारी बारिश के चलते कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, यात्रा के दौरान लोग फंस गए हैं, बीच रास्तों में फंसे हुए हैं, कहीं पर बोल्डर गिर गए हैं, कहीं पर जो सड़कें हैं वो धस गई हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं चारधाम यात्रा पर निकले देश भर के लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल आशीष, देखिए नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि बाढ़ हो गई, ज्यादा बारिश हो गई, लैंडस्लाइड्स हो गए, ये ऐसी नेचुरल कैलामिटीज है जिन्हें रोका नहीं जा सकता है, इनसे सिर्फ बचाव किया जा सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है वो प्रबंध करता है कि किस तरीके से ऐसे प्रबंध किए जाए कि लोगों को परेशानियां कम हो, बचाव किया जा सके। और सबसे ज्यादा परेशानी उत्तराखंड में इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि नदी नाले वहां पर उफान पर है, जो नदियां हैं वो खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं और कुछ ऊपर भी बह रही हैं। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पे जो यात्री निकले हुए हैं उनके लिए खास प्रबंध भी किए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी काफी बचाव बच के रहने की जरूरत है। और जैसे कि आप बता रहे हैं सावन का महीना भी चल रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं की बहुतायत देखने को मिल रही है उस इलाके में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये मैं इंगित करना चाहूंगी कि प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बचाव और राहत कार्य को पहुंचाया जा सके लोगों तक और उन्हें परेशानियां कम हो, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता है। और इसीलिए आईएमडी जो है वो गाइडलाइंस जारी करता है और ताकि लोगों तक ये जो इंफॉर्मेशन है ये पहुंच सके। अब आपको ये भी बता दूं कि कहां कहां पर अति भारी बारिश और भारी बारिश के अलर्ट है। सबसे पहले मैं आपको वो राज्य बता देती हूँ जहां पर बहुत ज्यादा भारी बारिश के आसार आईएमडी की ओर से बताए गए हैं, उनमें है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान के भी कुछ जिले हैं उसमें, और कर्नाटक। साथ ही साथ अब वो राज्य आपको बता देती हूँ जहां पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य है जहां पर भारी बारिश है। इससे पहले जो मैं राज्य आपको बता रही थी वहां पर बहुत ज्यादा बारिश के आसार हैं, तो वहां पर लोगों को बच के रहने की जरूरत है। संवेदनशील एरियाज जो होते हैं वो भी प्रशासन इन्फॉर्म करता है कि इन एरियाज के आसपास नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा
जरूरत है। अब आशीष, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि राजस्थान में क्या आगे मॉनसून एक्टिविटीज देने वाली है। अगले 4 से 5 दिन की जो गाइडलाइंस है वो उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि 4 से 5 दिन जो है वो मॉनसून एक्टिव रहने वाला है राजस्थान में, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में, और वो जिले होंगे भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग, इन पे सबसे ज्यादा असर होगा। और जैसा कि हमारी कल बातचीत भी हुई थी मौसम केंद्र के निदेशक जो राधेश्याम शर्मा है, उन्होंने भी ये बताया कि जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, वो क्रिएट हुआ है। इसी वजह से ये जो अतिवृष्टि हम देख रहे हैं वो हो रही है, उसी के असर हम देख रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले जो दिन है वो राजस्थान में बारिश को लेकर अच्छे बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी जो एवरेज बारिश है, जो एवरेज मॉनसून एक्टिविटी है, उसमें अभी भी राजस्थान में -1% मतलब 1% अभी भी कम है एवरेज से। जी बिल्कुल भारती, अंत में एक सवाल और जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से भारत देश की भौगोलिक स्थितियां हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश तेज हो जाती है तो वहां हालात बद से बदतर हो जाते हैं, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, और कई राज्य ऐसे हैं जो सूखे की मार झेल रहे होते हैं, नदियों से नदियों को जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है, बातें की जा रही है, लेकिन धरातल पर कभी इस पर काम अभी होना बाकी है, जिससे कि ये व्यवस्थाएं बन सकती है, जो वर्षा का जल है उसे संरक्षित किया जा सकता है। जिन राज्यों की डिमांड है, जिन राज्यों में लड़ाई हो रही है, राजस्थान की बात करें, मरु प्रदेश है ERCP को लेकर, और इसके अलावा अन्य नदियों को जोड़ने की मांग को लेकर सियासत लगातार गर्माती जाती है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, नदियों को जोड़ने का सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया था, लेकिन अभी भी धरातल पर वो सपना सपना ही नजर आ रहा है। धरातल पर कोई काम बहुत तेज गति से, बहुत ज्यादा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने आशीष। राजस्थान की अगर बात करें, मरु प्रदेश है, और दूसरा जैसा कि हम सभी जानते हैं डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में इस तरह की जब समस्याएं हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में सवाल भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी समझना होगा कि ये इमीडिएट एक्टिविटी नहीं है, ये इमीडिएट एक्शन से कुछ नहीं हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नदियों को किस तरह से आपस में जोड़ा गया है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जब मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है और हम जब कमियां देखते हैं तो उस वक्त यहाँ पर सोल्यूशन नहीं क्रिएट किया जा सकता, ये बहुत पहले से वर्किंग होनी जरूरी होती है। और हमारी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो इस पर वर्क भी कर रही है ताकि इस तरह की परेशानियां जो है ये कम हो, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि जैसे ही राजस्थान में और कुछ जिलों में खासकर जब बारिश होती है तो एक दो बारिश में ही बहुत बुरा हाल सड़कों पर हो जाता है, जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। सीकर रोड की हम बात कर ले, BRTS कॉरिडोर जो है वो आधी कमर तक पानी वहां पर आ जाता है। तो ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नदी नाले सब भरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दो बारिश में ही हाल बहुत खराब हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सोचना होगा कि किस तरीके से इस समस्या से निपटा जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए हमें दर्शकों को ये बताना होगा कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनके अनुसार हमें बचकर रहने की जरूरत है। खासकर चार धाम पे जो यात्री निकले हुए हैं उन्हें अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी आशीष, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी विशेष संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन, जिन्होंने बताया कि लगातार बारिश का दौर जारी है, प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, जहां आवश्यकता है वहां NDRF SDRF की टीमें, साथ ही स्थानीय पुलिस, लगातार सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भारी बारिश के चलते प्रभावित हुई है, कई जगहों पर बोल्डर गिर गए हैं, कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो वहीं एहतियात बरतने की आवश्यकता है, जल जमाव की जगहों से दूरी बनाए रखने की लगातार प्रशासन की ओर से जारी की जा रही है। राजस्थान में भी आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं रुक कर लेते हैं भरतपुर का, भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा जति हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, भरतपुर में किस प्रकार के बारिश के हालात देखे जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम की क्या व्यवस्था वहां पर है, जल जमाव से किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रही है? बताना चाहूंगा कि बारिश के लिए भरतपुर में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, और पिछले महीने जब बरसात का सीजन शुरू हुआ था, जिसे अपन आषाढ़ मास कहते हैं, आषाढ़ मास में भरतपुर जिले में अच्छी बरसात हुई थी, और अब श्रावण मास लगा है, श्रावण मास को लगे भी आज 7वां दिन है, लेकिन 7 दिनों में अभी बरसात अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है। कल जरूर सुबह 2 घंटे 1.5 घंटे बरसात हुई है,
आज भी बरसात का येलो अलर्ट जारी है, बरसात आ सकती है। बरसात नहीं आने की वजह से लोग गर्मी और उमस से परेशान है, और बरसात आने के बाद लोगों को राहत मिलेगी। पिछले महीने जब बरसात आई थी तो यहाँ जल भराव की काफी समस्या रही थी, यहाँ CHED का काम चल रहा है, पानी निकास की इंतजाम नहीं है, तो उसको लेकर के भी काफी परेशानी हुई थी, और नगर निगम जिला प्रशासन ने उसके बाद में काफी भगदड़ करके और जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने का प्रयास किया था। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले महीने जो आषाढ़ के महीने में अच्छी बरसात हुई थी तो उसमें घने को अच्छा पानी मिल गया था, लेकिन अब बरसात अभी नहीं होने से रास्ते के अलावा घना में पानी की बहुत जरूरत है, और उद्यान में पानी आएगा तो पक्षियों के लिए नेस्टिंग और पानी की तो रहेगी, क्योंकि जब घना में देशी विदेशी पर्यटकों का आना लगातार जारी रहता है। जी जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे भरतपुर संवाददाता राजेंद्र शर्मा जति, जिन्होंने बताया कि आज फिलहाल येलो अलर्ट भरतपुर के लिए जारी किया गया है, लेकिन बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं, उमस का माहौल वहां पर है। हालांकि इससे पहले पिछले महीने लगातार बारिश का दौर जारी था, लेकिन फिलहाल अब बारिश